Hi, my lovelies, welcome back to my channel. And I hope you all are doing amazing. And if you are new to my channel, then hi, my name is Ananya, and I make videos related to makeup, skincare, hair hacks, reviews, and sometimes vlogs too. So, if you are interested in any of these categories, then please do not forget to hit the subscribe button and the bell icon below so you do not miss any other update.

एंड नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड ऑन रेगुलर बेसिस सो आज की वीडियो पे आते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही एकदम यू नो कलरफुल रंगीनी वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम लोग एक और रिव्यू करने वाले हैं और वो भी बहुत ही हाइप्ड आई शेडो पैलेट का रिव्यू यस 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 आई फाइनली बॉर्ड द मार्स का आई स्कैम किल आई शेडो पैलेट जो कि काफ़ी ज्यादा हाइपड है आजकल है ना सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन टू द वीडियो सो ये जो पैलेट है ना इट कम्स विद्सटी थ्री कलर्स विच इज लाइक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कलर्स एंड द प्राइज इज रुपीज नाइन 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 विच इज़ अगेन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस तो यही मेन डाउट था कि मतलब आई हैव सीन ये मतलब हमेशा होता ही है कि ज़्यादा दर लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ब्रांड अगर आपको बहुत सारे शाइडो कलर्स दे रहे हैं ना बहुत सारे कलर्स दे रहे हैं और आपका प्राइस भी जो है अफोर्डेबल रख रहे हैं तो दे जस्ट अप विद द पैलेट मतलब वो पूरा एकदम पिगमेंटेशन वगमेंटेशन उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है एंड और वो पैलेट आपका बिल्कुल वर्थलेस हो जाता है और अफोर्डेबल होने से उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है क्योंकि जितना भी अफोर्डेबल हो हम लोग पैसे दे तो खरीद ही रहे हैं अगर हम उसे यूज़ ही ना कर पाए पिगमेंटेड पिगमेंटेड पिगमेंटेशन ही ना आया शेडो पैलेट में जेन उसका काम है तो फिर क्या ही फ़ायदा अफोर्डेबल हो गया राइट सो so, मार्स आजकल काफ़ी सारे न्यू न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इसकी बात करते हैं तो ये जो है आई स्कैन के आई शाइडो पैलेट इसका मुझे ना इसका जो आउटर ये पैकेजिंग है वो बड़ा कूल लगा लाइक यहाँ पे ये काफ़ी सारे छोटे लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे गानों मतलब इट्स वेरी कूल राइट और अंदर मैं जब दिखाऊंगी ना इट्स लाइक सो डैम डेम्प्रिटी मतलब लेट मी जस्ट ओपन दिस इट कम्स विद अ मिरर टू इट्स अ काइंड ऑफ अ ह्यूज अ शेडो पैलेट सो यू कैन सी लुक एट इट इट हैज सो मैनी कलर्स मतलब ये अगर अच्छा पैलेट निकल गया तो आपको कोई और पैलेट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है राइट क्योंकि इसमें ये बात नहीं है कि सिर्फ इसमें कलरफुल आई शेडोज है या फिर सिर्फ इसमें न्यूड्स है या फिर सिर्फ ये शिमर पैलेट है या फिर सिर्फ ये ग्लिटर पैलेट है ऐसी कोई बात नहीं है इसमें सब आपको मिल जा रहा है एक ही साथ में एकदम फैमिली पैक काइंड ऑफ थिंग तो मतलब काफ़ी सारे रोज हैं यहाँ पे तो इस रो में ये रो मुझे बहुत पसंद आई है लाइक इट हैज़ गिविंग सच यू फोर वाइव ये जो ये वाली रो है ना इट हैज़ ऑल द प्रेस्ड ग्लेटर्स और प्रेसड ग्लेटर्स लाइक दे आर सो प्रिटी आई मीन लुक एट द शेड्स और हर एक शेड की एक एक रो है लाइक दिस इज द ग्रीन रो यहाँ पे थोड़ा येल्लो रो है यहाँ पे यू नो काइंड ऑफ ब्लू ये पर्पल वाला ये पिंक वाला यहाँ पे सारे बेसिकली न्यूड एंड डीप्स यू नो न्यूट्रल कलर्स है यहाँ इस साइड पर और यहाँ पे ये बेसिकली ये हाफ जो है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कलरफुल है और ये वाली जो रो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे यूनिक लगी लाइक like, नॉर्मली कोई आई शायडो पैलेट में ऐसी रो दिखने को मिलती नहीं है और ये जो दो शेड्स हैं ना वो तो सबसे ज़्यादा यूनिक है ये दो शेड्स लाइक दे आर काइंड ऑफ अ नियॉन थिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इंडियन मार्केट में इंडियन ब्रांड से और एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतना कुछ मिल रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा डाउट करने की तो बात ही है क्योंकि सब कुछ मिलावट है तो एनीवेज इट्स लाइक अ ड्रीम पैलेट समबडी और ये अगर अच्छा पिगमेंटेड आ गया ना तो आई एम जस्ट गो यूज दिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स तो मैं सारे शेड्स तो ऑब्वियसली स्वॉच नहीं कर पाऊंगी तो मैं बेसिकली जो जो शेड्स मतलब हमें चाहिए हमें चाहिए होते कि वो पिगमेंटेड आए लेकिन मैक्सिमम आशाटो पैलेट्स में पिगमेंटेड नहीं निकलते हैं मैं ट्राई करूंगी वो सारे शेड स्वॉच करने का और तो और इसमें सारे कलर्स एक साथ हैं तो मैट्स हमेशा काइंड ऑफ ब्रांड्स में स्टप कर देते हैं मैं जैसे कि मैंने कहा अगर अफोर्डेबल है इतने सारे कलर्स हैं पर शिमर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे रहते हैं जो मेन पिगमेंटेशन है ना वो मैट्स के टेस्ट करने वाली बात है तो बहुत ज़्यादा बकबक हो गई अभी जल्दी से स्वॉच कर लेते हैं कुछ शेड पहले मैं येलो शेड्स को स्वॉच कर लेती हूँ जो ये येलो शेड में ही मैं हमेशा डाउटफुल रहती हूँ कि पिगमेंटेड होगा या नहीं पर इस पैलेट ने तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर दिया कैन यू सी इट ये जो येल्लो है ना विच इज दिस इज़ लाइक सो प्रिटी मैंने अप्लाई भी किया हुआ है और आई वॉज लाइक हाईली हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस येलो मतलब ये काफ़ी बॉम कलर है like, मतलब पिगमेंटेशन भी लाइक like, काफ़ी अच्छी है राइट right? करने वाली कोई बात नहीं है ओ गॉड लुक एट दिस आई मीन जस्ट एट दिस मेरे हाथों में ना पूरा टैन मेरे हाथों में ना पूरा टैन पड़ रखा है यहाँ से यहाँ तक तो फिर भी इतना अच्छा शो ऑफ कर रहे हैं तो वो भी वन स्वाइप में लाइक जस्ट एट यहाँ पे थोड़े शिमर शेड्स कहाँ पे करो यहाँ पे कर लेते हैं सी ओ माई गॉड कैन यू लुक एट ये मैंने एकदम हल्के से एक बार स्वाइप किया है और मैंने कहा था ना शिमर शेड्स के हमेशा ये नो पिगमेंटेशन अच्छी आ ही जाती है और इस पैलेट में तो मैट्स की भी इतनी अच्छी पिगमेंटेशन है तो शिमर की तो होनी ही थी तो अभी जो बारी है जो कि आप जिसके वेट कर रहे होगे वो ये जो प्रेस्ड ग्लिटर्स है उसके थोड़े स्वाचेस कर लेते हैं

पैलेट्स में एक और बात होती है कि हाफ हाथ में तो ऐसे फिंगर्स वॉच कर रहे हो तो तब पिगमेंटेशन आ जाती है पर ये आइज़ में ना आपके आईलेट्स में ये शो ऑफ नहीं करता है कलर कई कई समय ये बहुत बार आपको कोट अप करना पड़ता है मतलब बहुत सारी लेयर्स लगानी पड़ती है आई की फिर जाके अच्छा पिगमेंटेशन आता है तो वही देखने वाली बात है अब कि ये आइज़ में हमारा कैसा काम करता है इन वन गो और ये जो आई लुक है वो कैसे मैंने क्रिएट किया वो तो अभी देखने वाली बात है तो आप वो देखो जल्दी से और आज ये पैलेट जो मैं रिव्यू कर रही थी वही इतना कलरफुल था तो मैंने सोचा कि आई लुक जो मैं करूँगी वो भी कलरफुल होना ही चाहिए वरना क्या ही रिव्यू होगा इस पैलेट का राइट आप इस लुक का ट्यूटोरियल देखो स्टार्टिंग विद अ हॉट पिंक शेड मैं उसको पहले अपने इन कॉर्नर वाले इन क्रीस एरिया में डिपॉजिट कर दूँगी एंड आई वॉज रियली रियली इम्प्रेस बाई द पिगमेंटेशन क्योंकि ये पिगमेंटेशन एक ही बार में आई थी एंड आई वॉज लाइक वाव इट्स रियली रियली गुड और मैं सेम ब्रश की मदद से थोड़ा अपना यू you नो know, मतलब उसको थोड़ा एक स्मज आउट कर दूँगी थोड़ा यू नो ब्लेंडेड इफेक्ट देने के लिए क्योंकि मैंने सिर्फ उसको डिपॉज़िट किया था वहाँ पर अब आई एम यूजिंग अ पर्पल डीप पर्पल काइंड ऑफ शेड तो उसको भी मैं सेम तरीके से पहले डिपॉज़िट कर दूँगी जहाँ पर मुझे वो शेड चाहिए और उसके बाद मैं लाइक आल डू द सेम प्रोसेस मैं उसको थोड़ा स्मज आउट कर दूँगी थोड़ा ब्लेंड कर दूँगी उसके ऊपर वाले एरिया को और माई आउटर क्रीज आई एम यूजिंग अ ब्लू शेड मुझे ब्लू इन दोनों शेड से थोड़ा ज़्यादा कम पिगमेंटेड लगा मतलब ये पर्पल और पिंक शेड जो थे वो ब्लू से थोड़े ज़्यादा पिगमेंटेड थे आई फिल्ट लाइक बट स्टिल दिस वॉज रियली गुड और इसको भी मैं सेम तरीके से पहले डिपॉजिट करके फिर यू नो आई एम स्मजिंग एट आउट टू क्रिएट अ क्रीज रेनबो लाइन और अब मैंने सिर्फ कंसीलर की मदद मतलब से अपना क्रीस कट कर लिया था और आई एम यूजिंग अ येल्लो शेड इन माई इन अ कॉर्नर और अभी एक वार्म ऑरेंजिश येल्लो शेड लेके मैं इसको अपने आउटर कॉर्नर में एक स्लाइटली थोड़ा हल्का यू नो विंग के शेप में मैं इसको ब्लेंड कर दे रही हूँ तो मैंने एकदम हल्का सा लिया था ये शेड बिकॉज यू कैन सी इट्स गिविंग सच अ प्रिटी ग्रेडियंट येलो इफेक्ट एंड आई एम रियली रियली लविंग दिस आई लुक फार फॉर द फाइनल डेफिनेशन आई एम यूजिंग द ग्रीन प्रेस्ड ग्लिटर्स हेयर और मैं यहाँ पे क्रीज़ को डिफाइन कर दूंगी ताकि यू नो कलर्स जो है अच्छे से सेपरेट लगे और आई लुक भी जो है हमारा पूरा अच्छे से डिफाइंड लगे क्योंकि इस एरिया में अगर आप कुछ यू नो लाइनिंग कर देते हो ना तो आपका दो जो आपने कलर्स यूज किए हैं अपने लोअर क्रीज लाइन पे और ऊपर वो सब अच्छे से दिखने लगते हैं एंड आई वॉज रियली इंप्रेस बाय दिस प्रेस ग्लिटर्स तो यहाँ पे मैं एक पर्पल प्रेस ग्लिटर लेके उसको एक विंग काइंड ऑफ ड्रॉ कर दे रही हूँ टू गिव इट लाइक यू नो अ लिटिल बिट शिमरी एंड कलरफुल इफेक्ट मच मोर और आई वॉज रियली इम्प्रेस बाई दिस ग्लिटर्स बिकॉज ये फॉल आउट उतना ज़्यादा नहीं होता है और अच्छे से बैठ भी जाता है यू कैन सी दैट और अभी लेट मी जस्ट कम्प्लीट माई होल लुक ओके सो आई एम डन विथ माई आई मेकअप और अपने ट्यूटोरियल चलते वक्त तो सारी मेरी यू नो वॉट वॉज माई इम्प्रेशन अबाउट दिस कलर्स ऑन माई आईज हाउ हाउ दे शोड अप ऑन माई आईज हाउ द पिगमेंटेशन ऑन माई आईज आपको वो सब का तो आंसर मिल ही गए होगा तो मैं एकदम यू नो लास्ट और फाइनल रिव्यू दे देती हूँ इस पैलेट के बारे में कि अगर आप भी यू नो इफ़ यू आर अ क्रिएटर इफ़ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट और फिर आपको ऐसे ही शौक है कलरफुल आई शेडो पैलेट का और सिर्फ वही नहीं मतलब अगर आप बिगिनर भी हो ना तब भी आप ये आई शैडो पैलेट खरीद सकते हो क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कलरफुल शेड्स है विच आर वेरी हार्ड टू क्रिएट लुक्स विद इसमें उसके साथ साथ ना मतलब काफ़ी बहुत सारे न्यूट्रल शेड्स भी हैं मतलब लाइक ऑल इन वन पैलेट तो अगर आप बिगनर हो अगर आप प्रो हो अगर आप यू नो क्रिएटर हो आप इफ़ यू लाइक टू प्ले विथ कलर्स तो ऑब्वियसली दिस पैलेट इज फॉर यू और इट इज़ अफोर्डेबल

एंड आई वुड रेटेड अ सो लेड नाइन आउट ऑफ टेन एक मार्क्स मैंने कहा था कि एक मार्क्स काटना भी नहीं बनता शायद आई मीन लेट्स जिस गिव दिस टेन आउट ऑफ टेन तो आई होप कि मैं सारे डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ इस पैलेट के बारे में इस वीडियो में पर फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर और कुछ आप जानना चाहते हो इस पैलेट के बारे में तो बिना कोई झिझक के कमेंट्स में मुझे बताना आई विल श्योरली आंसर दैट और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई और आज की कलरफुल वीडियो ने आपको थोड़ी सी हेल्प की हो थोड़ा सा गाइड किया हो इस पैलेट के बारे में तो दैट वॉज इट फॉर द टूडे वीडियो गाइज आई होप यू गाइज लव दिस एंड आई यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाई टेक केयर